العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الأول في وجوه النظم صيغة ولغة اب اغلامتن هي वहिया और बातन अलासमुशतरकोलमा तकम अल्ल सगा और लगत के लिहाज से नज़्म की अल्फाज की क़स्मों के बयान में और ये चार है ख़ास आम मुशतरक और لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر فإن كان الأول فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام وإن كان الثاني فإما أن يترجح أحد معانيه بالتاويل फलमा वाला फ़ोअल मुश्तरकू इसे कि लफ्ज़ एक माना पर दलालत करेगा या एक से ज़्यादा पर बस अगर अव्वल है तो वो मुनफरिद माना पर यानी बिला शिरकत गैर एक माना पर दलालत करेगा या शिरकत गैर के साथ एक माना पर दलालत करेगा अगर अव्वल है यानी एक माना पर बिला शिरकत गैर दलालत करता है तो ये ख़ास है और अगर एक माना पर शिरकत गैर के साथ दलालत करता है तो ये सानी है ये आम है। और अगर लफ्ज़ एक से ज़्यादा माना पर दलालत करता है तो इसकी भी दो सूरतें हैं या तो उसके मानी में से कोई माना तावील के ज़रिए राजे होगा या राजे नहीं होगा अगर अव्वल है तो व्वल कहलाएगा और अगर सानी है तो उसको मुश्तरक जाता है फ़लमाफ़िल हकीकती इन अक्समिलमुशतर वन व इनका ना मफरुलफ़ल तावील मिनशाजी चुनानच्ल हकीक़त में उस मुश्तरक़स्मों में से है जो सीगा और लोनों लिहाज से दलालत करता है अगरचल उस फैलतावील का मफरूल है जो मुजतः की शान से है अज़ीज़ तलब कराम साहिब मनार कहते हैं कि वज़ा के अतबार से नज़म की लफ्ज़ की चार क़स्में हैं नंबर एक ख़ास दो आम तीन मुश्तरक चार्वल इन चारों के दरमियान दलील हसर ये है के लफ्ज़ वज़ा के एतबार से एक माना पर दलालत करेगा या एक से ज़्यादा माना पर दलालत करेगा अगर लफ्ज़ वज़ा के अतबार से एक माना पर दलालत करता है तो एक माना पर दलालत बिला शिरकत गैर दलालत करेगा तो एक माना पर बिला शिरकत गैर दलालत करेगा तो या लफ्ज़ एक माना पर शिरकत गैर के साथ दलालत करेगा अगर एक माना पर बिला शिरकत गैर दलालत करता है तो वो ख़ास है माना भी एक है लफ्ज़ के और उस माना के तहत फ़र्द भी एक है एक माना पर बिला शिरकत गैर दलालत करता है तो खास और माना एक है लेकिन एक माना के तहत बहुत सारे अफराद हैं और अगर शिरकत गैर एक माना पर शिरकत गैर के साथ दलालत करता है तो वो आम है जईदन एक माना है एक फर्द है मुस्लिमों ने माना एक है इसके तहत अफराद बहुत सारे हैं आम है जईदन खास है और अगर सानी है यानी लफ्ज़ एक से ज़्यादा माना पर दलालत करता है लफ्ज़ या तो एक माना पर दलालत करेगा या एक से ज़्यादा माना पर एक माना पर दलालत करेगा तो दो हाल से खाली नहीं या तो शिरकत गैर बिला शिरकत गैर दलालत करेगा या शिरकत गैर के साथ दलालत करेगा अगर शिरकत गैर के साथ दलालत करता है तो आम हैं और बिला शिरकत गैर दलालत करता है तो ख़ास हैं और अगर शिरकत गैर के साथ दलालत करता है तो वह आम हैं और अगर लफ्ज़ एक से ज़्यादा माना पर दलालत करता है तो इसकी भी दो सूरतें हैं उन मानी में से कोई एक माना तावील के जरिए राजे होगा तावील के जरिए या तावील के जरिए राजे नहीं होगा लफ्ज़ एक से ज़्यादा माना पर दलालत करता है तो दो हादसे खाली नहीं एक से ज्यादा मानी में से कोई एक माना तावील के जरिए राजे होंगे या तावील के जरिए राजे नहीं होंगे अगर तावील के जरिए राजे हो तो उसको मवल कहते हैं और अगर तावील के जरिए राजे ना हो तो उसको मुश्तरक कहते हैं तो लफ्ज़ एक से ज्यादा माना पर दलालत करेगा तो दो हाथ से खाली नहीं उन कई माना में से एक माना तावील के जरिए राजे होंगे या उन माना में से कोई माना तावील के ज़रिए राजे नहीं होंगे अगर राजे हो तो मवल और राजे ना हो तो मुश्तरक तो दलील हसर यूँ हुई कि लफ्ज़ वज़ा के अतबार से एक माना पर दलालत करेगा या एक से ज़्यादा माना पर दलालत करेगा अगर एक माना पर दलालत करे तो दो हाथ से ख़ाली नहीं एक माना पर बिला शिरकत गैर दलालत करे तो खास या एक माना पर शिरकत गैर के साथ दलालत करे तो आम और अगर लफ्ज़ एक से ज़्यादा माना पर दलालत करता है तो दो से ख़ाली नहीं एक से ज़्यादा माना में से कोई एक माना किसी दलील के जरिए राजे होंगे या राजे नहीं होंगे अगर दलील और तावील के ज़रिए से राजे हो तो मवल और किसी तावील के जरिए से राजे ना हो तो मुश्तरक फलमअलफ़िलहीकती से एक सवाल का जवाब है सवाल यह है कि तावील अवल मौल फ़ैलतावील तावील का मफरूल है मौल इसमें मफरूल है और तावील करना मुश्तहद का काम है तो मव्वल को वज़ा के अतबार से नज़म की लफ्ज़ की किस्म करार देना कैसे दुरुस्त होगा अवल तावील इस फ़ैल का मफरूल है और तावील करना मुश्त का काम है तो फिर जब यह मुश्तिद का काम है तो मुल्ल को वज़ा के एतबार से लफ्ज़ की कस्म करार देना कैसे दुरुस्त होगा इसलिए कि तावील माना में होती है अल्फाज में नहीं होती लिहाजा इसका ताल्लुक माना की अकसाम से होना चाहिए था ना कि अल्फाज की अकसाम से हालांकि मौवल का ताल्लुक लफ्ज की वजह के अतबार से जो चार किस्म हैं उनमें से एक किस्म किस्मअ है जबकि तावील करना मुश्तहिद का काम है और मुश्तहिद का तावील करना अल्फाज में नहीं होता है बल्कि माना में होता है लिहाजा मौल का ताल्लुक माना की अकसाम में से होना चाहिए था ना कि अल्फाज की अकसाम में से इसका जवाब यह है कि मव्वल मुश्तरक की किस्म है इस तौर पर के मुशतर जो वजा के एतबार से कसीर माना पर दलालत करता है मुश्तरक वजा के एतबार से कसीर माना पर दलालत करता है अगर उसके किसी एक माना को तरजीह दे दी गई तो वह मोअल है चुनानचे मवल मुश्तरक की किस्म है।, है।, है और मुश्तरक वजा के एतबार से लफ्ज की किस्म है और किसी शे की किस्म की किस्म चूंकि उस शय की किस्म होती है मुश्तरक लफ्ज की वजह के एतबार से किस्म है और मव्वल मुश्तरक की किस्म है लिहाजा मुअल मुशतरक के वास्ते से लफ्ज की किस्म होगी किसी शे की किस्म की किस्म किसी शे की किस्म की किस्म लफ्ज़ की किस्म मुश्तरक है और मुश्तरक की कस्म मुल है लिहाजा मुल्ल लफ्ज़ की किस्म हुई किसी शय की किस्म की किस्म चूँकि उस शेय की किस्म होती है इसलिए मुल्ल बवास्तः मुशतरक एतबारज़ा के नज्म की लफ्ज़ की किस्म होगा और अगर कोई ये एतराज़ करे कि जब मौल नज़्म के अकसाम में से है और मुश्तरक भी नज़म की कस्म है तो मुल्ल और मुश्तरक के दरमियान तकाबुल होना चाहिए क्योंकि एक तकसीम के अकसाम के दरमियान तकाबुल का होना ज़रूरी है हालांकि मव्वल और मुश्तरक के दरमियान तकाबुल मौजूद नहीं है इसका जवाब यह है कि जब हकीकत में मुश्तरक की कीस्म है तो मौल और मुश्तरक के दरमियान तकबुल ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि कस्म और मकसम के दरमियान तकबुल नहीं होता एक तकसीम की अकसाम के दरमियान तो तकबुल होता है लेकिन यहाँ पर मुश्तरक और मव्ल इनका ताल्लुक आपस में मेंस्म और मकसम वाला है और कस्म और मकसम के दरमियान तकाबुल नहीं होता है एक तकसीम की अकसाम के दरमियान तकाबुल हुआ करता है कस्म और मकसम के दरमियान तक नहीं होता है और अगर मुल्ल को मुशतरक की कस्म करार दिया जाए तो जवाब ये होगा कि मव्वल मुशतरक के दरमियान तकबुल और तबाइन मौजूद है इस तौर पर किल़ तरजीह के साथ मुक्त होता है मवल में किसी भी माना को तावील के ज़रिए करार दिया जाता है लिहाजा मवल में क़़द तरजीह मौजूद होती है और मुश्तरक में अदम तरजीह की क़ैद हुआ करती है इसलिए कि मुश्तरक जो कसीर माना पर दलालत करता है उसमें से तावील के ज़रिए से किसी माना को राज नहीं करार दिया जाता है और मौवल में ताविल के ज़रिए से किसी माना को करार दिया जाता है मालूम हुआ मौवल में क़़द तरजीह हुआ करती है और मुश्तरक में अदम तरजीह हुआ करती है चुनानचे जब मौवल में तरजीह होती है और मुश्तरक में अदम तरजीह तो मौल और मुश्तरक के दरमियान जाहिर है बयानी बिदालिकन न أي التقسيم الثاني في طرق ظهور المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص والعام أي كيف يظهر المعنى من النظم مسوقا أو غير مسوق محتملا للتاويل أو لا वकीफ फलमाना मिनल खिफ़ा साहलन अवका मिलन दूसरी तकसीम उसी नज़म की बयान के अकसाम में उसी लफ्ज़ की बयान के अकसाम में दूसरी तकसीम उसी लफ्ज़ की बयान के अकसाम में यानी दूसरी तकीम उसी नज़म की जो पहली तकसीम यानी ख़ास व आम में मजकूर है हूर माना और ख़िफ़ माना के अकसाम में हैं यानी माना नज़म से हालत सियाक में या गैर सियाक में किस तरह ज़ाहिर होते हैं तावील का माल रखते हुए या तावील का एहतमान न रखते हुए और माना नज़म से लफ्ज से किस तरह पोशीदा होगा थोड़ा सा पोशीदा होगा या पूरे तौर पर पोशीदा होगा वही वन्नस वल मुफस्सर वल कमो لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التابيل أو لا فإن احتمله فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو الظاهر وإلا فهو النص وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فهو المفسر وإلا فهو المحكم اور ज़ाहिर नस मुफसर महकम क्योंकि अगर नजम के माना जाहिर हो तो वो तावील का अहतमाल रखेंगे या नहीं चुनाच अगर तावील का अहतमाल रखें तो उसकी दो सूरतें हैं अगर नजम के माना का हूर मह से हो तो वो जाहिर है वरना तो वो नस है اور اگر تاویل کا احتمال نہ رکھے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں بس اگر نظم نسخ قبول کرتا ہے تو وہ مفسر ہے ورنہ تو وہ محكم الاقسام كلها بعضها اولى من بعض فيوجد الادنى في الاعلى ولا تباين بينهما وانما التباين بحسب الاعتبار بخلاف الخاص مع العام والمشترك فانها متقابله بنفسها فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الاول وذكر في الثاني فقط ये तमाम किस्में बाज़ बाज़ से अवला है लहजा अदना कस्म अस्म में पाई जाएगी और इन चार किस्मों में बाहमी तबायुन न होगा सिर्फ़ एतबारी तबायुन होगा बरखिलाफ़ खास के जबकि वो आम और मुश्तरक के साथ हो तो इनमें हकीकी तबायुन तबायन है इसी वजह से تقسيم اول میں مقابل کا ذکر نہیں کیا صرف تقسيم ثانی میں ذکر کیا ہے فقال چنانچہ فرمایا ولهذه الاربعه اربعه تقابلها اي لهذه الاقسام الاربعه للظهور اقسام اربعه اخرى تقابلها في الخفاء فكما ان في الاول بعضها اولى من بعض في الظهور كذلك في المقابل بعضها اولى من بعض في الخفاء فيوجد الادنى في الاعلى चुनानच फरमाया इन चार किस्मों के लिए और चार किस्में हैं जो इनके मुकाबिल होती है यानी ूर की इन चार किस्मों के लिए दूसरी चार किस्में हैं जो ख़िफा में इनके मुकाबिल है बस जिस तरह तकसीम अव्वल में बाज़ अकसाम बाज से ूर में अवला है इसी तरह इनके मुकाबिल कस्मों में बाज़ अकसाम बाज से खिफा में अवला है

فان كان البيان مرجوا من جانب المتكلم فهو المجمل والا فهو المتشابه وهذا التقسيم وكذا التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما ان التقسيم الاول والثالث يتعلق بالكلمه كما هو الظاهر और वह खफी मुश्किल मुजमल और मतशाबे है इसलिए कि अगर नज़म के माना खफी हो तो उसका खिफा सेगे के अलावा किसी आरिज की वजह से होगा तो ये खफी है या नफ्स सेगा की वजह से है चुनानच अगर उसका इदराक तमुल से मुमकिन हो तो ये मुश्किल है और अगर मुमकिन ना हो तो अगर मुतकलम की जानब से सराहत की उम्मीद है तो वह मुजमल है वरना तो वो मुतशाब है और ये तकसीम और चौथी तकसीम कलाम के साथ मुत्लक़ होती है जैसा कि पहली तकसीम और तीसरी तकसीम कलीमे के साथ मुत्ल होती है जैसा कि वो ज़ाहिर है अज़ीज़ तलब कराम मुसनफ़ ने फरमाया है कि नज़म की लफ्ज़ की दूसरी तकसीम ूर माना के अतबार से है यानी लफ्ज़ के माना जाहिर है या पोशीदा अगर ज़ाहिर हैं तो हालत सियाक में या गैर सियाक में तावील व तखसीस का अहमाल रखते हुए या बग़ैर इस एहतमाल के और अगर माना पोशीदा है तो किस तरह की पोशीदगी है थोड़ी सी या कामिल दर्जे की पोशीदगी है बहर हाल र माना के एतबार से लफ्ज़ की चार किस्में हैं जिस तरह ऊपर वज़ा के एतबार से लफ्ज़ की चार किस्म खास आम मुश्तरक इसी तरह ूर माना के एतबार से लफ्ज़ की चार किस्में है ज़ाहिर नस्म व फसर महकम इन चारों के दरमियान दलील हसर ये है कि अगर लफ्ज के माना जाहिर हों तो दो हाल से खाली नहीं या तो वो तावील तखसीस का एहतमाल रखेंगे या तावील व तख़ीस का अहतमाल नहीं रखेंगे अगर तावील व तख़ीस का अहतमाल रखते हैं तो फिर दो हाल से खाली नहीं क्योंकि माना का ूर या तो फ़क्त से से हो जाएगा माना का हूर या तो फ़कत सगे से हो जाएगा मजकूरा लफ्ज़ ख़ा उस माना को बयान करने के लिए लाया गया हो या उस माना को बयान करने के लिए ना लाया गया हो बशर्ते के सुनने वाला अहले ज़ुबान में से हो तो माना का ूूर या तो फकत सगे से हो जाएगा या फकत सगे से उस माना का ूूर ना होगा बल्कि लफ्ज़ उसको बयान करने के लिए लाया गया होगा अगर माना का र फकत सेगे से हो जाता है तो ये जाहिर और अगर माना का ुरूर फकत सेगे से नहीं होता बल्कि लफ्ज़ उस माना को बयान करने के लिए लाया जाता है तो ये नफ़ है और अगर लफ्ज़ के माना ताविल व तखस का अहतमाल ना रखे तो वह भी दो हाल से खाली नहीं या तो उसने रसूल अक्रम में न्ख़ को कबूल किया होगा या नस्ख़ों को कबूल नहीं किया होगा अगर नस्ख़ को कबूल किया है तो इसको मुफसर कहेगे और अगर नस्ख़ को कबूल नहीं किया है तो इसको महकम कहेगे फिर नस्ख़ों को कबूल न करना कभी तो इसलिए होता है कि अक्ला उसमें तब्दीली का अहतमान नहीं होता जैसे वो आयात जो अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत पर दलालत करती इन आलाकुल्लिशीन क़दीर, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर क़दिर है अकला इसमें नस्क का अहतमाल ही नहीं है तावील तखसीस का अहमाल ही नहीं है तो यहाँ पर नस्ख़ को कबूल ना करना अकलन है। और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा की वजह से वाहिए के मनख़ होने से होता है अव्वल को मुहकम लइन ही नस्क़ को कबूल ना करना अक् मुहकम लइनही ही और सानी को मुहकम गई रही कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा की वजह से वाह्य के मनख़ होने से अब नस्क़ का अहतमाल ही ख़त्म हो गया वाह्य का आना ही बंद हो गया यह मुहकम गई रही है साहिब नरू अनवार कहते हैं कि इन चारों किस्मों के दरमियान हकीकी तबयन नहीं है बल्कि एतबारी तबयन है इसके बरखिलाफ तकसीम उला लफ्ज की वजह के एतबार से चार किस्में जाहिर खास आम मुश्तरक इनमें हकीकी तबायन मौजूद है जाहिर नस अफसर महकम में एतबारी तबयन इस तौर पर है किर में अदम शौके कलाम आतबर है ज़ाहिर में माना को बयान करने के लिए कलाम को लाया नहीं जाता है और नस में सौके कलातबर है नस में लफ्ज़ को माना बयान करने के लिए लाया जाता है महकम ूर में मुफसर से अवला मुफसर से अकवा और अवला है और मुफसर नस से अकवा है और नस जाहिर से अकवा है चुनानच नस में जाहिर नस में मौजूद है जाहिर नस में मौजूद है नस मुफसर में मौजूद है और मुफसर महकम में मौजूद है पाया जाता है बस जब दो किस्में जमा हो जाए तो इनमें हकीकी तबायन नहीं होता बस चूँकि तकसम अव्वल के अकसाम ख़ास आम मुशतरकल में हकीीकी तबायन और तकाबुल मौजूद है इसलिए मुसनफ़ ने उनकी मुकाबल कस्मों का जिक्र नहीं किया है और तकसम ानी के अकसाम में चूँकि हकीीकी तबय और तकाबुल नहीं पाया जाता है इसलिए उनके मुकाबिल कस्मों का ज़िक्र किया है चुनाच फ़रमाया कि ूर के अतबार से नज़म की मजकूरा चार किस्मों के लिए चार किस्में और है जो खिफा में इनके मुक़ाबिल है बस जिस तरह अव्वल में ूर के अतबार से बाज़ बाज़ से अवला और अकवा है इसी तरह इनकी मुक़ाबिल किस्मों में भी खिफा के अतबार से बाज़ बज से अकवा और अवला है और वह चार कस्में ये हैं खफ़ी मुश्किल मुजमल मुतशाब इन चारों के दरमियान दलील हसर यह है कि लफ्ज़ के माना खफ़ी हो पोशीदा हो तो इसकी दो सूरतें हैं लफ्ज़ के माना पोशीदा हो तो इसकी दो सूरतें हैं इसका खिफा नफसे सेगा की वजह से होगा पोशीदगी नफसे सेगा की वजह से होगी या सेगे के अलावा किसी आरस की वजह से होगी अगर माना की पोशीदगी किसी आरज़ की वजह से है तो वो खफी है माना की पोशीदगी नफ़ सेगा की वजह से होगी या किसी आरज़ की वजह से होगी अगर माना की पोशीदगी किसी आरस की वजह से है तो वो खफी और अगर माना की पोशीदगी नफ़ सेगा की वजह से है तो फिर इसकी दो सूरतें हैं सिया को सबाक में तमुल करने से गौर व फिक्र करने से उस माना का इतराक मुमकिन होगा या उसका इतराक मुमकिन ना होगा सिया को सबाक में गौर व फिक्र करने से उस माना का इतराक मुमकिन हो तो मुश्किल और अगर सियाको सबाक में गौर करने से उसका इतराक मुमकिन ना हो तो वो मुश्किल है और अगर उसका इतराक मुमकिन ना हो तो फिर इसकी भी दो सुरते है सियाक व सबाक में गौरव फिक्र करने से अगर इदराक़ मुमकिन हो तो मुश्किल है और सियाको सबाक में गौरव फिक्र करने से उसका इतराक मुमकिन ना हो तो इसकी भी दो सुरते है या तो मुतकलम की जानब से उसकी सलाहत की तो है या मुतकलम की जानब से सलाहत की तो नहीं है अगर मुतकलम की जानब से सराहत की तो है तो उसको मुजमल कहते हैं और अगर मुतकलम की जानब से सराहत की तो नहीं है तो उसको मतशबे कहते हैं शहर आहमा फरमाते हैं कि तकसीम सानी और तकसीम यानि जाहिर नस मुफसर महकम खफ़ी मुश्किल मुजमल मतशाबे लफ्ज की ूर माना और ख़िफ माना के एतबार से ये दूसरी तक़सीम है और चौथी तकसीम बयान के अतबार से दलालत उनस इबारतस इशारत उनस अकतज़ा उनस ये तक़सीम ानी और तकसीम राबे दोनों कलाम से ताल्लुक़ रखती है जिस तरह तकसीम अव्वल वज़ा के अतबार से लफ्ज़ की वज़ा के अतबार से ख़ास आम मुशतरक और तकसीम सालिससिस लफ्ज़ की इस्तेमाल के अतबार से हकीकत मजाक सरह कि जिस तरह तकसीम अव्वल और तकसीम सालिस बजाहिर कलिमे से ताल्लुक़ रखती है तकसीम सानी और रब कलाम से इसलिए ताल्लुक़ रखती है कि सानी मुराद को ज़ाहिर करने के अतबार से है और तकसीम रब मुराद को साबित करने के अतबार से है तकसीम सानी मुराद को ज़ाहिर करने केतबार से है और तकसीम रब मुराद को सबित करने के अतबार से है और मुराद दो कलीमों के दरमियान नस्बत का नाम है और और कलाम वो लफ्ज़ है जो इसनाद के साथ दो कलीमों को मतजमन और शामिल हो और इसद दो कलीमों में से एक का दूसरे कलीमे की तरफ इस तरह मंसूब होना है कि मुखातब को पूरा पूरा फ़ायदा हासिल हो हासिल ये कि मुराद दो कलीमों के दरमियान नस्बत का नाम है और कलाम भी दर हकीकत नस्बत ही का नाम है इसलिए तकसीम सानी और राब़ दोनों कलाम से मुतल होगी यूँ भी कहा जा सकता है कि तकसीम सानी के, तकसी के ज़रिए ूर मुराद होता है और तकसीम ऱ के ज़रिए ूर मुराद पर इतला होती है और हूर मुराद और वकूफ़ मुराद दोनों कलाम से होते हैं इसलिए तकसीम ानी और तकसीम रबे दोनों का ताल्लुक कलाम से होगा तकसीम अव्वल और तकसीम सालिस कलीमे से इसलिए ताल्लुक़ रखती है कि तकसीम अव्वल वज़ा के अतबार से है और वज़ा कहते हैं लफ्ज़ को माना के लिए मुतिन करना और ये तय मान मुफरद है और तीसरी तकसीम लफ्ज़ के इस्तेमाल के अतबार से है और लफ्ज़ का इस्तेमाल भी मान मुफरत है पस दोनों में मान मुफरत मलफूज़ है और मान मुफरत कलीमे के होते हैं ना के कलाम के मुफरत माना कलीमे के होते हैं ना के कलाम के इसलिए तकसिम अव्वल और तकसिम सालिश दोनों का ताल्लुक कलीमे से होगा ना के कलाम से وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما